फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में 23 अप्रैल को रिटायर्ड फौजी द्वारा फायरिंग कर अंजाम दिए गए डबल मर्डर के मामले में आज पीड़ित परिवार सैकड़ों ग्रामीणों के साथ फतेहाबाद लघु सचिवालय पहुंचा। मर्डर के मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लघु सचिवालय पर हंगामा किया और इस दौरान ग्रामीणों की सुरक्षा कर्मियों के साथ जमकर हाथापाई हुई। सुरक्षा कर्मियों ने हल्का बल प्रयोग कर हंगामा कर रहे ग्रामीणों को खदेड़ा और हालात काबू में किए। एसपी दीपक सहारा ने ग्रामीणों को जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। वही पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस 10 दिन से आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं कर रही। बता दें 23 अप्रैल को गांव गोरखपुर में रिटायर्ड फौजी ने अपनी सास और चचेरी सास की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर आरोपी को घर में ही घेर कर सरेंडर करने को मजबूर किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि इस हत्याकांड की साजिश में आरोपी फौजी का भाई, भाभी और मां भी शामिल है और पुलिस इन तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जांच टीम बना रखी है, जांच जारी है और वो जो जिनके नाम है जो शामिल जांच किए जाने हैं वो दिन भी जो भी उनके एड्रेस थे या जहाँ वो नौकरी करते थे वहाँ पर नहीं है। उनके लिए मैंने टीम बाहर भी भेजी है, उनकी रिश्तेदारी में भी टीम भेजी है, उनको जल्दी से जल्दी शामिल जांच किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को भी आपसे ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन होती है कि मुकदमे को जल्दी से जल्दी लॉजिकल एंड पे पहुँचाया जाए। ठीक है, किसी भी उसमें ये ना समझें, पुलिस का अपना काम है, पुलिस अपना काम कर रही है। ठीक है, अगर कोई शामिल जांच नहीं हो रहा तो उसको जल्दी ही किया जाएगा। अप्रैल को ये इंसिडेंट हुआ था, उसमें जो मैंने केस था उसमें 3 घंटे के बाद सरेंडर कर दिया पुलिस को, लेकिन पुलिस का कहना है कि हमने उसको अरेस्ट किया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, उसने खुद ने सरेंडर किया था। उसके बाद जो उसका भाई है बड़ा अंतर सिंह उर्फ विनय कुमार, जो मास्टरमाइंड ही इस केस का, ठीक है, उसने ब्रेन वॉश करके भेजा, लेकिन आज पुलिस ने 48 आवर्स का अल्टीमेट दिया है कि हम उसको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उसको अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आज 10 दिन हो चुके हैं, उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं है क्योंकि जो बराड़ा साहब हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनकी रिश्तेदारी है डाणी सांतला गांव में, और डाणी सांतला गांव में जो अंतर सिंह है मास्टरमाइंड उसकी रिश्तेदारी है। इस वजह से कोई पॉलिटिकल प्रेशर हमारे पास है नहीं, हम गरीब लोग हैं, लेकिन उनकी इतनी पावर है, इतना सब कुछ है, उस वजह से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जी।